नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो न्यूज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज है बृहस्पतिवार थर्सडे और आज के दिन से हम नए सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं जहां पर आपको हफ्ते भर की ऑटो न्यूज एक ही जगह देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली खबर है दोस्तों टाटा मोटर्स को लेके। दोस्तों भारतीय बाजार में टाटा सफारी को फिर से टाटा मोटर्स लॉन्च कर रही है और ये जो गाड़ी है दोस्तों ये टाटा मोटर्स जो टाटा ग्रेविटास आने वाली थी जो कि हैरियर का एक्सटेंडेड वर्जन थी इसी को कंपनी ने सोचा है कि इसको टाटा सफारी बना के भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। अब इस खबर के बाद बहुत से लोग टाटा मोटर क्रिटिसाइज किए हैं लेकिन मेरा मानना है कि टाटा का ये काफ़ी जब फैसला होने वाला है क्योंकि टाटा सफारी को हम सब जानते थे उनमें खूबियाँ बहुत थी। पहली बात तो ये 4x4 सस्ते में दे रहा था और लेकिन कमियाँ थी, लेकिन जैसे कमियाँ ये थी टाटा सफारी में ख़राब सीटिंग्स देखने को मिल रही थी, ज़्यादा लग्जरियस फीचर नहीं देखने को मिल रहे थे। वैसे अगर इंडियन मार्केट की कंडीशन देखें कार मार्केट की तो लोगों को सस्ते में लग्जरियस गाड़ी चाहिए, तो ऐसे में टाटा ने भी क्या किया इसको सफारी बना के भारतीय बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया है। जैसा कि आप बस हम इधर देख पा रहे हैं अभी ये है दोस्तों टाटा सफारी का नया मॉडल। हालांकि इसे यहाँ पे टीज किया है हाल ही ने भी टाटा मोटर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और 26 जनवरी को ये भारतीय बाजार में हो सकती है लॉन्च एज अ ब्रांड नेम ऑफ टाटा सफारी। नंबर दूसरी खबर है दोस्तों MG ग्लॉस्टर को लेके। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीडियो को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो MG ग्लॉस्टर है पूरी तरीके से स्नो में फंस चुका है और लोग कह रहे हैं कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं काम करता, लेकिन यहाँ पर बहुत सी रूमर्स आए कि ट्रैक्शन कंट्रोल ख़राब चीज़ है इसमें। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इसमें MG वालों की कोई गलती नहीं है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी तरीके से स्नो में फंस चुकी है और अगर इतनी आग पर ट्रैक्शन कंट्रोल कब काम करता है जब आपके ज़मीन में थोड़ी सी ट्रैक्शन बची हो, लेकिन इस कंडीशन में देखें तो जो ग्लॉस्टर आप देख पा रहे हैं ये चारों तरफ से बर्फ में घिर चुकी है और जब नीचे आपके बर्फ है वो पानी बनती है बर्फ तो कुछ बचेगी ही नहीं, तो कहाँ से काम करेगा ट्रैक्शन कंट्रोल। और वही बात करें MG ग्लॉस्टर की, इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं इसमें लगाए गए हैं हाईवे टायर्स। हालांकि जो आप ऑफ रोडिंग करने जाएँ तो उसका अलग टायर्स आते हैं और अगर जो इसका ओनर थे अगर उन्होंने की चेन्स का इस्तेमाल किया होता, ये एक तरीके का आप देख पा रहे इस पर टायर में लगाया जाता है, अगर इसको कंपनी इस्तेमाल करती या फिर जिनके ओनर थे उनके पास ये होता तो ये गाड़ी काफ़ी आराम से परफॉर्म कर सकती थी। तो ओवरऑल अगर आप हाईवे टायर से जाओगे स्नोफॉल में गाड़ी चलाने, पहाड़ में ऐसी जगह गाड़ी चलाने जाओगे तो कोई भी गाड़ी रहे मेरे भाई यही हाल होना है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते भले ही आपकी गाड़ी करोड़ों की क्यों ना हो। नंबर तीसरा दोस्तों खबर है वो है टाटा मोटर्स को लेके। एक बार फिर से टाटा मोटर्स नैनो को रिलॉन्च कर रही है भारतीय बाजार। अब दोस्तों जैसे ये खबर सुनने में आई तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर हंगामा मच गया कि टाटा नैनो फिर से आ रही है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये जो टाटा नैनो होने वाली है ये टाटा की तरफ से नहीं जेम्स नियो बेजिंग के अंदर आ रही है, जहाँ पर मैं आपको स्पाई शॉट्स दिखा देता हूँ। जब टेस्टिंग हुई थी तो उसको यहाँ पर स्पाई शॉट में देखा गया। यहाँ पर जो दोस्तों ये जो नई नैनो है इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे कि आपको ये एक छोटा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जहाँ पर इस पर 203 किलोमीटर तक का रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार टॉप स्पीड पकड़ सकती है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी की हम लोग लॉन्चिंग की बात करें तो जब टेस्टिंग हो रही है तो आप ज़रूर इसे आने वाले साल भर में इसे देख सकते हैं। तो अगर आप टाटा नैनो खरीदना चाह रहे हैं तो इस बार ये आ रही है इलेक्ट्रिक वर्जन में, तो क्या आप इस गाड़ी खरीदना चाहेंगे या नहीं कुछ जानने के बाद आपके मन में ज़रूर कीमत के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि भैया लॉन्चिंग होगी तो क्या कीमत हो सकती है। तो एज अगर हम टाटा नैनो के ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ये दुनिया में सबसे सस्ती गाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हो सकता है नैनो इलेक्ट्रिक वैसा ही कुछ कमाल करे कि दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला के आपके सामने रख दे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इंतज़ार करिएगा नैनो इलेक्ट्रिक की, इससे जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर लगातार। अब नंबर चौथी खबर दोस्तों ये है रेनॉल्ट मोटर्स की तरफ से। रेनॉल्ट मोटर्स 28 जनवरी को डेब्यूट कर रही है अपनी अपकमिंग कार रेनॉल्ट काइगर की, और दोस्तों ये जो गाड़ी होने वाली है कहीं ना कहीं क्विडर ट्राइबर टीएगो वैली रेंज में आएगी। जैसे कि निसान ने मैग्नेट उतारी वो था CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, उसी प्रकार से रेनॉल्ट की ये काइगर उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और ये भी गाड़ी भारतीय बाजार में काफ़ी बड़ा यहाँ पर बूम ला सकती है। उसकी कीमत काफ़ी समय सस्पेंस पर रखी गई है, तो किसी भी कंपनी को मालूम है भारत में सस्ती गाड़ी लाओगे तो छा जाओगे, तो रेनॉल्ट की तरफ से इस गाड़ी का आप इंतजार कर सकते हैं, दिखने में काफ़ी कमाल की गाड़ी लग रही है। नंबर पांचवी दोस्तों जो खबर है वो है स्कोडा को लेकर। स्कोडा अपना इंडिया में मिड साइज SUV स्कोडा कुशाक को पेश कर सकती है भारतीय बाजार में जल्द ही। यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जब मैं ऑटो एक्सपो गया था तो साइड में आपको फोटो दिख रहे हैं, ये है स्कोडा कुशाक का ऑटो एक्सपो वाला वर्जन। दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिल सकता है 1000 CC से लेके 1500 CC तक का इंजन।
जो कि पेट्रोल और डीजल दो प्रकार में अवेलेबल होगा। यहाँ पर ये गाड़ी दोस्तों लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, हालांकि गाड़ी तो मिड साइज एसयूवी में ही गिनी जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी की कीमत हो सकती है 10 लाख से रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में, और ये गाड़ी ब्रीजा, नेक्सॉन, क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी। स्कोडा की ब्रांड तरफ से ये आती है गाड़ी। नंबर 6 कवर है टोयोटा फॉर्च्यूनर के लेवल के लिए। अगर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर पसंद है तो 2021 की टोयोटा फॉर्च्यूनर हो चुकी है लॉन्च। जहां पर चेंजेस की है, मेजर चेंजेस की बात करें तो इस बार इसमें आपको देखने को मिलेगा 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इस टॉर्क को देखने के बाद अच्छी अच्छी कंपनी सच में यही बोली होंगी। और यहाँ पे हम बात करें इसकी जो लुक्स मेजर चेंजेस आगे से नज़र आ रहा है आपको, जो पहले की आप देख पा रहे हैं पहले वाले और इसमें क्या फ़र्क है, तो थोड़ी सी ये गाड़ी बड़ी दिखती है आगे से लगने में, और ग्रिल्स को बदल दिया गया है। बाकी बैक लुक की बात करूँ, थोड़ी बहुत यहाँ पे मेकअप चेंजेस किए गए हैं। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई इन्फॉर्मेशन। हालांकि अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए हो तो आगे इसकी मैं और बताते रहूँगा वीडियोज़ में। नंबर 7 खबर दोस्तों ये है आपके लिए गर्व की बात, मेड इन इंडिया बाइक हर्षकुवाना स्मार्ट पाइलन, रुकिए स्वर्ट पाइलन नाम की ये गाड़ी है, बाइक है जिसको हाल ही में जो मेड इन इंडिया गाड़ी है मलेशिया में किया गया है लॉन्च। और ये आपके हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि अब मेड इन इंडिया गाड़ियां विदेशों में भी जा रही हैं। हालांकि इसके पहले क्या होता था, प्रोडक्ट को लिखा रहता था डिज़ाइंड इन अमेरिका मेड इन चाइना, लेकिन अब इंडियन प्रोडक्ट्स में क्या होता है डिज़ाइन इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि अब जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं वो इंडिया में ना रहकर अब विदेशों में भी सेलिंग हो रही है। जो कि यही था दोस्तों हमारा ऑटो न्यूज़ का पहला एपिसोड, जहां पे हमने इस हफ्ते से जुड़ी आपको ऑटो मोबाइल सेगमेंट की सारी खबरों को कवर किया है। ऐसे ही और एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ऑटो कंपेयर को, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड खबरों को जानना हो तो सब्सक्राइब करिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाड़ी ज्ञान के लिंक को। आपको यहाँ भी फ्लैश हो रहा होगा गाड़ी ज्ञान का यहाँ पे चैनल लिंक, आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब करके आप गाड़ी की दुनिया से दोपहिया दोपहिया की दुनिया से कोई भी खबरों को जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर एंड टेक केयर।